नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटिंग यूट्यूब चैनल DMS में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, यानी कि कौन से विटामिन की कमी से कौन से बीमारी हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, हमें रात में देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। अब जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स यानी कि मसूड़ों में प्रॉब्लम देखा जा सकता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलिसिया जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई से हमारे बॉडी में लेस फर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन के। विटामिन के की कमी से हमारी बॉडी में नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का न रुकना जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब जानते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी को काफ़ी भाग में बांटा गया, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 एंड विटामिन B17। सबसे पहले जानते हैं विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन B1 से हमें बॉडी में बेरी बेरी नामक बीमारी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 से एरिब्रो फ्लेवेसिनोसिस जैसे बीमारी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 से पेलेग्रा जैसे बीमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। अब आता है विटामिन B5। विटामिन B5 से पैरेस्थेसिया जैसे बीमारी बॉडी में पाए जाते हैं। उसके बाद है विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से हमारे बॉडी में अनीमिया जैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से डर्मेटाइटिस एंड इंटराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब आता है विटामिन B9। विटामिन B9 एंड विटामिन B12 दोनों में एक ही प्रॉब्लम देखा गया है, जैसे कि मेलिग्लो ब्लास्टिक एनेमिया। अब लास्ट आता है विटामिन B17। विटामिन B17 की कमी से हमारे बॉडी में कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल नेम ऑफ विटामिन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।